ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं और उससे कोई भी बच नहीं सकता, और ये पुलिस ने साबित कर दिया, क्योंकि दो चिट्टे के तस्कर जिन्हें मेडिकल करवाने के लिए कंडागाट के अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने वहां तैनात पुलिस कर्मियों की थोड़ी सी लापरवाही का फायदा उठाया और वहां से भाग निकले। लेकिन सोलन पुलिस, जिसने समूचे हिमाचल में सबसे ज्यादा नशे के तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है और जो नशे के खिलाफ अभियान में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण हिमाचल गौरव अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है, ऐसी पुलिस से बचकर निकलना आरोपियों के लिए संभव ना हो सका। और एसएसपी मधुसूदन और एएसपी शिव कुमार की अध्यक्षता में पुलिस की टीम ने कुछ ही घंटों में उन सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं और उससे कोई भी बच नहीं सकता, ये पुलिस ने साबित कर दिया है, क्योंकि शाम को ही दो चिट्टे के तस्कर जिन्हें आज मेडिकल करवाने के लिए कंडागाट के अस्पताल ले जाया जा रहा है, तब उन्होंने वहां तैनात पुलिस कर्मियों को थोड़ी सी लापरवाही का फायदा उठाया और वहां से निकलवा गए। लेकिन सोलन पुलिस, जिसने समूचे हिमाचल में सबसे ज्यादा नशे के तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है और जो नशे के खिलाफ अभियान में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण हिमाचल गौरव अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है, ऐसी पुलिस से बचकर निकलना आरोपियों के लिए संभव ना हो सका। और एसएसपी मधुसूदन और एएसपी शिव कुमार की अध्यक्षता में पुलिस की टीम ने कुछ ही घंटों में उन सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी योगेश जोशी ने बताया कि दो आरोपियों अशोक और प्रवीण ने उन्हें चकमा देने का प्रयास किया और पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए थे, लेकिन मुस्तैद पुलिस ने उनका पीछा किया और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पास के गाँव की जर्नी गांव से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों व्यक्ति, जिनकी उम्र 36 वर्ष है, वे चिट्टे के आरोप में पिछले कल गिरफ्तार किए गए थे। उन्हें आज अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन वे वहां से भाग गए। जिन पर चिट्टे तस्करी का तो मामला दर्ज ही है, अब उन पर गिरफ्त से भागने का भी मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये पिछले कल हमारी टीम ने, पुलिस ने, कंडागाट पुलिस ने दो लड़कों को, जो स्थानीय ही है, 36-36 साल जिनकी एज है, उनको 52.71 ग्राम चिट्टे के सहित पकड़ा था, जो पुलिस हिरासत में थे पिछले कल से ही। आज उनको रूटीन मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था कंडाघाट में सीएचसी में, लेकिन वो पुलिस को चकमा देते हुए भाग गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और लोकल जो लोकल पब्लिक है उसकी भी हेल्प लेते हुए उनको साथ में ही लगभग 1.5 किलोमीटर जाकर के जड़न मार्ग पर पकड़ लिया। महीपुर मार्ग बिल्कुल इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, पुलिस की हिरासत से भागने का मुकदमा दर्ज हो रहा है, आगामी कार्रवाई की जा रही है।